लैला, अल्लाह का शुक्र है जी ये मेरी बहन नहीं है। माशाल्लाह आप भी इंसान ही है। जी जी इंसान ही हूँ। क्या बात है, बड़े बड़े बंदों ने मुछे रखी है, पहली मुछे जिन्होंने बंदा रखा हुआ है। मैं फिर खुला नहीं है, खोल जे अखीर वो खुले ना, मैं ही करे की थी खोले, मैं बड़ी कोशिश कर खुले ना। बंदा मैंने दोवें कहते अवेला तू साढ़े अल वेखन नहीं डिया भरा, हो के तू भी साई है सी भी साई। मैं कहूँ मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज भिक्की अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन मैं पिंडी के अंदर मौजूद हूँ और पिंडी में एक ऐसा खूबसूरत थिएटर बना दिया गया है जो कि फैमिली के लिए भी है, लोगों के लिए भी है, मुकम्मल इंटरटेन पेश किया जाता है। यहाँ पर फैमिली ड्रामे होते हैं और इसके सेहरा जो है वो शहजाद साहब को जाता है। इफ्तिखार शहजाद साहब इनका नाम है और बड़े ही खूबसूरत ओनर हैं ये थिएटर के। और ऐसा थिएटर बनाया है पिंडी के अंदर कि पिंडी की आवाम के लिए एक ऐसा इंटरटेन इन्होंने बना दिया है। मैं उस थिएटर के अंदर हूँ अभी, जाके मैंने शहजाद साहब को पकड़ना है, मेरे साथ रहना आपने, क्योंकि मस्किया चैनल आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है। आ जाए मेरे साथ आ जाए, क्योंकि सबसे पहले हम शहजाद साहब से बात करेंगे, क्योंकि शहजाद साहब इसके ओनर हैं। शहजाद साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे, शहजाद साहब किधर गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाए कैसे? माशाल्लाह कमाल, अभी भी इतनी उम्र के बाद भी नौजवान लड़के लग रहे हैं। नहीं इतनी उम्र नहीं है। मैं हूँ ही लड़का। क्या समझते हैं पिंडी की आवाम को क्या तवक्को रखते हैं और आपके थिएटर पर जो फनकार काम करते हैं उनसे क्या तवक्को रखते हैं? देखिए जी पिंडी में थिएटर का तो ये है कि पहले तो पिंडी में कोई थिएटर था नहीं, एक दो थिएटर हैं पिंडी में लेकिन वो थिएटर नहीं है, वो थिएटर नहीं है। तो मुझे भी इस फील्ड में तकरीबन 40 साल के करीब हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने सही कहा था कि इतने बड़े होकर भी लड़के लग रहे हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपके थिएटर में ऐसे ड्रामे पेश करेंगे जैसी आपकी सोच है और इंशाल्लाह फैमिली आएगी यहाँ पर और बहुत ही अच्छा ड्रामा पेश किया जाएगा। तो अभी हमने आपको थिएटर ओनर से मिलवाया है। नाज़रीन मैं अभी आपकी फनकारों से भी मुलाकात कराऊँगा, बस चंद लम्हे इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगता है आपको फील्ड में, आपने बड़ा काम किया है, आपका बड़ा नाम है, आप बड़े मशहूर आदमी हैं, ज़रा अपनी ज़ुबान से अपने नाम को बताएंगे आप प्लीज़? मेरा नाम पाशा है और मैं काफ़ी देर से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और आप सब लोग पसंद करते हैं, बेशक इससे बड़ा तो हमें कोई खुशी नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी यही खुशी होती है। क्या फ़र्क नज़र आता है पहले और अब में? फ़र्क तो आप लोगों के सामने है, मैं कुछ कहूँगा तो सारे आर्टिस्ट लोग नाराज़ हो जाएंगे। वहीद मना साहब आप माशाल्लाह से टेलीविज़न भी बहुत किया आपने, आपने फिल्म भी की, आपने डायरेक्शन भी की, आपने एक्टिंग भी की, सब कुछ आपने किया है, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी आपको? सेहत ख़राब कर ली आपने अपनी। जो मुझे पूछ रहा है उसकी माशाल्लाह अपनी सेहत देखें, लगता है नेवलों का काउंसलर है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे ये मस्करियाँ करनी आपने मेरी जान। बात पता है क्या है, बात ये है कि फनकार जो होता है ना बड़ा हसास होता है, हाय हाय, और फनकार बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, हम उस वक्त से ही मुतमईन है। ये वक्त ये पहिया है, ये चक्का है, ये घूमता है, हाय हाय, हर 15 साल बाद ये घूमता है, ये घूमेगा और फिर वही दौर वापस आएगा। बिल्कुल है, और दौर वो ड्रामे का वापस आ रहा है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जैसे शहजाद साहब ने अभी मुझे कहा कि ये मैंने फैमिली के लिए थिएटर बनाया है और इंशाल्लाह यहाँ फैमिली ड्रामे पेश होंगे, तो इंशाल्लाह जरूर होंगे इंशाल्लाह। अगर आप रहेंगे तो जरूर फैमिली ड्रामे पेश होंगे इंशाल्लाह। थिएटर को जो है ना हमने फैमिली थिएटर ही बनाना है। आए नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, अंदर गाने की आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि मैं स्टेज की बैक साइड पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा रियाज। ये रियाज है और अल्लाह माफी दे कहो जे मुंह कर लिया जे। क्यों जी की होया? अल्लाह आपकी जिंदगी करे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं पिंडी के, ये इनसे आपकी मुलाकात करानी इसलिए जरूरी थी कि ये पिंडी के फनकार हैं। कैसा लगता है आपको ड्रामों में काम करना? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि करांच की मतलब करांच यार, ये मस्करियां आपने रियाज साहब मस्करियां करनी है। अच्छा माशाल्लाह तुम्हारा मुंह तो यही नजर आ रहा है जिवें ठंडा समोसा होता जनाब। बहुत अच्छे जी, थैंक यू अल्लाह खैर। माशाल्लाह आप भी इंसान ही है। जी जी इंसान ही हूँ। क्या बात है, बड़े बड़े बंदों ने मुछे रखी है, पहली मुछे जिन्होंने बंदा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा रियाज चिंची साहब। ये भी रियाज, आप भी रियाज? मैं रियाज चिंची हूँ, वो रियाज खान है। वो रियाज खान है, आप चिंची हैं? मैं चिंची वाला हूँ। तो क्या करते हैं आप ड्रामो में? मैं ड्रामे में शौक था, मैं ड्रामो में काम कर रहा हूँ सर। कैसा शौक आपने डाल लिया है? बस रंग था तो बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर लिया। oh no. खाना खराब ही हो गया है। आ जाए मेरे साथ, आ जाए जरा आ जाए। ये हैं आपका चार्ली, लाहौर के एक बहुत ही सुपरस्टार। कैसा लग रहा है आपको सरोज थिएटर में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है।
पिंडी जवाह थिएटर है, पता लगा कि लाहौर ही काम कर रहे हैं। हाँ। देखे मैंने ना आपसे कोई ना जोक सुननी, आपसे वाकिया सुनना है, कोई वाकिया अपने जिंदगी के सुना दे मुझे। मैं दसना, मैं ना एक बारी अल्फला ड्रामा कर रहा सा, वो सलीम साहब नहीं चार्ली साहब, वो मैनू कहंदे जा बाहर ना पराडो दे विचों ना कपड़े पेने ड्रेस वो लै के आ। मैं कहा शो टाइम है ना करो, मैं क्या कहते नहीं नहीं जाओ चेज च पै गए। मैं क्या बाहर बंदे ने ना करो, कहते नहीं जा। मैं हूँ गया तो मेरे को पराडो खुला ही ना, इन करके मैं खोल रहा, कभी वो उत्ते ताले ही बने होंगे ने, मैं कभी वह बंद कर पाव, कभी खोल जाओ कड़ेक कड़ेक कड़ेक। तो दो तीन बंदे मेरे मगर आ गए, तो कहते ओ वीरे तू इतने की करन दिया। मैं क्या जी थैंक यू, वो कहता नहीं थैंक यू कहता, अही तेरे मगर ये नहीं दूर आई दा होंगे, तू साढ़े हल वेख नहीं रहा। मैं क्या थैंक यू, ड्रामा देख रहे हैं आ, वेख रहे हैं। मैं फिर खुला भी ये खुल जाए, अखीर वो खुले ना, मैं ही करके की खुले, मैं बड़ी कोशिश कर खुले ना। बंदा मैंने दोवें कहते अवेला तू साढ़े हल वेखन नहीं दिया भरा, ओके तू भी साई असी भी साई। मैं कहो मैं नहीं, तो मैं कहता मस्जिद च बह जा। मैं बह गया, शो करके वापस आया, अगले दिन मैं फिर गया। अच्छा। तो मैंने उस दिन पैसे नहीं मिले, तो मैं बड़ा खुश कि अज लाऊंगा पैसे है। मैं मस्जिद चढ़िया तो वह कितने अपनी बुढ़ी ना लड़के आ रहा है, तो बुढ़ी भी वो ड्रामा कर रही थी, वह बेची कितने बैठी सी। अच्छा। मैनू नहीं पता लगा कि भाई इन्होंने की मसला। मैं क्या भाई नो कल तुम पैसे नहीं दिते थे वो ड्रामे के पैसे तो दे, कहना कहना रोकी एक मिनट मसदा इन उन्हें जी। मैं क्या की करन लगा जेब चो नहीं 200 रुपया करे, कहता ये पैसे उतर जाओ थले। मैं क्या मैं नहीं नहीं मैं क्या नहीं नहीं पुत्र उतर, कहता चलो चलो मैंने चलते मसद चो लाता उन्हें। लेकिन उन्हें जी की ना बच्चे हाँ, मैं क्या लगता लगता 2000 दे लगा जी। लैला अल्लाह का शुक्र है जी, ये मेरी बहन नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा वो बूढ़े है, मैंने ये थोड़ी कहा है, वो तो इतने अच्छे, मैंने अच्छा कहा है उनको। अच्छा कहा जी, आप बहुत अच्छी है, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपके चैनल को बहुत लाइक करती हूँ, इतने माशा अच्छे अच्छे शो हैं आपके चैनल पे, वो बहुत मसा के शुगली मुगली आपने। शुगली मुगली कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए भाई कैसे हैं? पिंडी में काम कर रहे हैं आप जी? आपने अरब वाला में भी झंडे गाड़े हैं, साहिवाल में भी, लाहौर सिर्फ आना बाकी रह गया है जी। माशाल्लाह लाहौर भी मैंने किया है, ठीक है, मगर ये है कि बस ये पब्लिक का प्यार है जो हमें बार बार इधर खींच लेती है, ठीक है। पिंडी में काम किया है मगर ऐसे काम किया जैसे मैं लाहौर काम कर रहा हूं। अरे क्या बात है, ठीक है। मगर ये शहजाद साहब हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इस थिएटर के मालिक हैं, उनको तो हम सलूट करते हैं। क्या बात, क्या फनकारों की वो इज्जत करते हैं, क्या बात, ठीक है। उन्होंने कभी ये हमें महसूस नहीं कराया कि वो प्रोड्यूसर हैं, ये मालिक हैं। बहुत सारे आर्टिस्टों से आपसी बातचीत करवाई है, सिर्फ इसलिए करवाई है कि आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, आप मुस्कुराते रहें, इंजॉय करें जिंदगी को, कभी कोई गम ना लें, अपने दिल को बाग बाग रखें, अपने हमने आपके आंसू चुराने होते हैं और आपके चेहरों पर हंसी लानी होती है। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। मस्कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी आना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।